हल्द्वानी नगर निगम में कोविड-19 के राहत बचाव कार्य और सैनिटाइजेशन के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी पार्षदों के साथ पूर्व मंडी अध्यक्ष सुमित हृदेश अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हल्द्वानी नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद और पूर्व मंडी अध्यक्ष सुमित हृदेश ने आरोप लगाया है कि आपदा के समय भी नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और खानापूर्ति के लिए जांच बिठा दी गई है। सुमित ने कहा कि सैनिटाइजेशन से लेकर दुकानों के नामांतरण और आवंटन तक में जमकर भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, लिहाजा इसकी निष्पक्ष जाँच होने के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार हम देख रहे थे कोरोना में, जैसे आपदा में अफसर के लिए कहा गया कि आपदा में अफसर ढूंढें, नगर निगम ने इस आपदा में लूट मचाने का अवसर ढूंढ लिया। पहले सैनिटाइजेशन के नाम पे जो सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना छिड़काव हुआ, क्या छिड़काव हुआ, ये किसी को नहीं पता लगा। सड़कों पे बहा दिया गया सैनिटाइज़र और बाद में उनके मुख्य नगर अधिकारी कह रहे थे कि जैसी धूल से मिलता है बेकार हो जाता है, तो इतने लाखों रुपये उन्होंने इसमें बर्बाद करे। 1,06,000 रुपये के वो कह रहे हैं गोले बनाए।